हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक बरकत डाले हमारे आपके खानों में, किचन में। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बिरयानी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत जल्दी बनती है। तो चलें इस बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस बिरयानी के लिए सबसे पहले हमने ऑयल शामिल करना है। इसमें 2 से 2.5 कप के करीब आप ऑयल ऐड करें। अब इसमें जाएगा चिकन, 1 kg चिकन मैं ऐड करूंगी इसमें। बिस्मिल्लाह। दो प्याज ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे 2 tablespoons। ही आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दें। मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर आप ऐड करेंगे और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च आप ऐड कर दें 2 tablespoons। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी से बनने वाली बिरयानी है। आप जाएगी इसमें 1 प्याली दही। बिस्मिल्लाह। बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। मैं 2 tablespoons बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप 2-3 चम्मच जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें सब्ज मिर्चें, टमाटर और अदरक सभी चीजें आप इसमें ऐड कर दें। और इसको मिक्स करके आप 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट भी कर सकते हैं और फौरी भी इसको पका सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब इसको तैयार करते हैं। फ्लेम को करेंगे ऑन। और अब इसमें जाएगा 3 से 4 चम्मच यहाँ पर लेमन का रस। बिस्मिल्लाह। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इस्तेमाल करें। और 1/2 teaspoon के करीब आप हल्दी पाउडर ऐड करें। ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हल्दी पाउडर आपने बहुत कम यूज़ करना है, हल्का सा कलर आ जाए बस। चलें इसको पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। और यहाँ पर साथ ही मैंने पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए। चावल बॉईल करेंगे और इस पानी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, जस्ट हम यहाँ पर विनीगर ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच। अगर विनीगर नहीं तो आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्की सी आप टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें नमक ऐड करेंगे 1 tablespoon। 1 kg चावल में मैं ऐड कर रही हूँ नमक, बस हल्का सा टेस्ट आए। तो मसाला यहाँ पर देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन प्याज, लास्ट पे ऐड करेंगे दम देने से पहले। मिक्स कर लें इसको अच्छी तरह। और अब इसमें ऐड करेंगे हम बॉईल किए हुए चावल, 1/2 हम इसमें निकाल लेंगे चिकन। चावल ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। इसको फैला दें और बाकी का चिकन आप इसके ऊपर ऐड कर लें।
इसके ऊपर भी ग्रीन प्याज फैलाएंगे। तो बाकी के चावल भी आप इक्वल कर लें इस तरह से। ग्रीन प्याज, सब्ज मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर लें। और अब इसके ऊपर जाएगा कलर। तो कलर मैं पानी के बगैर ही इसमें ऐड करूंगी। आप थोड़ा थोड़ा सा कलर इस तरह से इसके ऊपर फैला दें। तो खोलने के बाद ये बिल्कुल इक्वल आएगा। तो अब इसको लगाते हैं दम पे 5 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह। तो ये टेस्टी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।